हम बात कर रहे हैं ONGC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% तक की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हमने इससे पहले 340 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। स्टॉक ने 340 के टारगेट हिट करता नज़र आ रहा है। वहां तक का जंप स्टॉक में देखने के लिए मिला, वहां से अब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। तो इससे पहले जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था वही लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा है, 330 का लेवल। ब्रेकडाउन अगर कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 320 का लेवल, जो कि इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक दफ़ा इसके चार्ट पैटर्न पर नज़र डालें तो हमको लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक में जंप आ रहा है और जंप पे अपने हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। ऐसे गिरावट आई है 220-224 के आसपास से स्टॉक सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक दिखा सकता है। मार्केट भी लगातार अपसाइड दिखा रहा है और ONGC का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। हम देख सकते हैं लगातार बाइंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। क्या इतनी बड़ी बाइंग के बाद स्टॉक में उतनी बड़ी गिरावट, उतनी बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल रही नहीं मिल रही है? तो इस बात का सिग्नल है कि बड़े पिलर्स इसमें अब भी बने हुए सेलिंग के लिए तैयार नहीं है। तो 340 का लेवल ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है। अपना पहला टारगेट यही रहेगा, 340 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 350 और इसके ब्रेकआउट के बाद 360 तक का जंप ONGC दिखा सकता है। फिर 360 का लेवल इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।